आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम CRPF HCM की टाइपिंग पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टाइपिंग में प्रिंटेड मैटर मिलेगा या स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, कितनी गलती माफ होगी, आप अपनी नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में प्रिंटेड मैटर से आप किस तरीके से टाइप करें कि आप अपनी सही स्पीड निकाल सकें, इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर पिछले एग्जाम्स को देखा जाए तो वहाँ पे आपको प्रिंटेड मैटर दिया जाता है और वही मैटर देख के आपको टाइप करना होता है और आपकी जो स्पीड रिक्वायर्ड है वह 35 वर्ड पर मिनट की है। लेकिन इसमें है क्या, आपको 5% मिस्टेक अलाउड है। इसके बाद आप जो भी गलती करेंगे, एक गलती पर 10 वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। आपका जो टाइपिंग मैटर मिलेगा उसमें 35 वर्ड पर मिनट से अगर 10 मिनट देखें तो बस 350 वर्ड ही नहीं रहेंगे, वो 450-500 ऐसे करके देते हैं। और अगर 5% गलती माफ है, इसका मतलब क्या, 35 वर्ड पर मिनट स्पीड है, 5% गलती निकालेंगे तो 1,750 आ जाएगी। तो क्या 1,750 गलती माफ है? तो ऐसा नहीं है, 1,750 गलती ही माफ नहीं होगी। आप जितना कंटेंट टाइप करेंगे उसका 5% आपको अलाउड होगा मिस्टेक। एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई टाइप करते हुए आया और टाइप करते जा रहा है, उसने 10 मिनट में 2000 की स्ट्रोक प्रेस कर दिए। 2000 की स्ट्रोक का मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 400 वर्ड। तो अगर कोई 400 वर्ड टाइप किया है तो उसकी आप स्पीड निकालेंगे तो 10 से भाग दे दीजिए, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आई। अब इसमें जो आपको मिस्टेक अलाउड है वह 5% है। तो 400 का अगर 5% निकालेंगे तो कितनी हो गई, 4×5=20, आपको 20 गलती माफ है। अब 20 वर्ड में आप किसी भी टाइप की गलती करेंगे, आप कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कामा छूट जाता है, कैपिटल हो जाता है, कोई भी गलती करेंगे तो 20 वर्ड्स में आप गलती कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 20 के बजाय 23 गलती कर दी तो क्या होगा, 20 गलती तो आपकी माफ है, आपने 400 वर्ड किए हैं तो 20 गलती माफ है। जो 3 मिस्टेक एक्स्ट्रा हुई है इसके लिए उसका 10 गुना यानी 30 वर्ड काट लिए जाएंगे। आपने 400 किए थे तो उसमें 30 वर्ड निकाल दीजिए, कितना हुआ, नेट वर्ड जो आपका माना जाएगा 370 माना जाएगा। और स्पीड निकालने के लिए 10 से भाग देंगे तो 37 वर्ड पर मिनट आएगी। अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो 5% थी तो आपकी माफ हो गई, 40 वर्ड था तो आपकी 20 गलती माफ हुई। अब इसके बजाय आप इसके बाद आप जितनी गलती करेंगे उसके लिए 1 वर्ड पर मिनट कट जाएगा। जैसे आपने 3 गलती एक्स्ट्रा कर दी थी तो 3 वर्ड पर मिनट सीधे आप निकाल लीजिए, आपने 40 स्पीड से टाइप किया था तो 37 स्पीड आपकी मानी जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 50 गलती कर दी और 50 वर्ड पर मिनट से टाइप की तो क्या होगा, 25 गलती माफ हो गई, 25 जो एक्स्ट्रा गलती है उसके लिए 25 वर्ड पर मिनट आपका काट लिया जाएगा। तो 50 नहीं, उसको 25 वर्ड पर मिनट ही माना जाएगा। तो यहाँ सारा गेम है एक्यूरेसी का, आपको पूरी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं रहेगी तो आप कितनी भी स्पीड बना ले जाएं, इसको आप पास नहीं कर पाएंगे। अब बैक स्पेस पे बात करें तो आपको एग्जाम में वो लाख रहेगा, इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। आप अगर सही जगह पे प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन लेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है टाइपिंग में तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, उसमें आप कोई भी कमेंट करेंगे, यहाँ पे भी कमेंट करेंगे तो आपको आंसर किया जाएगा और पूरी हेल्प की जाएगी। और अब आइए बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है।
तो हम लोग कल से CRPF HCM के लिए टाइपिंग टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री। आप वहां से उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, फिर साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोगों के सामने ये समस्या होगी कि कंटेंट तो हमने डाउनलोड कर लिया, PDF हमारे पास है, लेकिन उसको प्रैक्टिस कैसे करें? तो आइए इसी पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बैक स्पेस को निकाल दीजिए, क्योंकि CRPF में बैक स्पेस यूज नहीं होगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर आ जाइए typingbaba.com पे। ये देखिए typingbaba.com की वेबसाइट खुल गई है। इसमें अगर टाइपिंग टेस्ट में देखें तो टाइपिंग टेस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें आप सबसे नीचे आ जाइए, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने खुल के आता है इंटरफेस। इसमें टाइम आपको 10 मिनट कर देना है, 1 मिनट नहीं। बैक स्पेस और हाईलाइट को डिसेबल दोनों को ही कर देना है। फिर इनका टेस्ट हमें नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना टेस्ट अपलोड करेंगे। अपलोड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने जो PDF दिया है उसको कॉपी करके रखिए और यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए टेस्ट का, जैसे टेस्ट 1 हम दे रहे हैं। और उसके बाद उस टेस्ट को यहाँ पे PDF में कॉपी करके इसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ये देखिए अपलोड हो गया। इसके बाद नीचे अपलोड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने पे, अगर इसको हम क्लिक कर देंगे तो सेव्ड सक्सेसफुली आ गया, ये आपका टेस्ट सेव हो गया है। अब हमने जो टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया है उसका प्रिंटआउट लेके सामने रखेंगे। यहाँ पे गो बैक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम कस्टम में अगर जाएँ तो देखिए कस्टम में क्लिक करते हैं तो इसमें अभी टेक्स्ट 1 आ जाएगा। ये देखिए टेस्ट 1 आपका आ गया। ऐसे जितने आपके पास कंटेंट हैं इसमें अपलोड करके रखिए। यहाँ पे फिर 10 मिनट टाइम कर दीजिए और ये दोनों डिसेबल कर दीजिए, बैक स्पेस और हाईलाइट। फिर स्टार्ट इन एग्जाम मोड पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका चालू हो गया टेस्ट। अब अपना प्रिंटआउट मैटर खोल के बैठ जाइए। ये जो ऊपर कंटेंट दिया इसको मत टाइप करिए, आप प्रिंटेड मैटर में देख के टाइप करिए। तो वो भी तो सेम ही है, तो टाइप करने के बाद ऐसे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जितना भी मैटर हो पाया है होने के बाद 10 मिनट में आप वो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको बस मिस्टेक्स गिन लेनी है। यहाँ पे टोटल एरर्स दिखा रहा है ना, इसमें टोटल एरर देख लेना है और आपकी जो ग्रास स्पीड आ रही है वो देख लेना है। जैसे यहाँ पे ग्रास स्पीड 18 वर्ड पर मिनट ही है। अब देखते हैं नेट स्पीड कैसे निकालेंगे। एरर और ग्रास स्पीड तो पता चल गई। देखिए स्पीड के हिसाब से अगर 5% निकालते हैं तो उसका आधा ही हो जाता है। जैसे हमने 400 वर्ड थे तो 40 स्पीड आई थी, 40 का 5% निकालना था तो 40 का आधा कितना हो गया, 20 वर्ड आपको माफ रहेंगे। इसमें 18 वर्ड पर मिनट है स्पीड, तो इसका हम 5% निकालें तो 9 वर्ड आपको माफ हो जाएगा। आगे आप जितनी गलती करेंगे एक्स्ट्रा तो उतना वर्ड पर मिनट आपका कट जाएगा, ठीक है? तो आप उतना वर्ड पर मिनट आप नेट स्पीड से घटा लीजिएगा। जैसे 40 थी तो 20 माफ़ हो गई, आपने 3 गलती एक्स्ट्रा की थी तो 3 और हम स्पीड माइनस कर देंगे तो 37 स्पीड आई थी, ठीक? ऐसे ही आप कैलकुलेट करिए। और कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है टाइपिंग में तो आपको आप कमेंट करिए, आपको आंसर किया जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।